कलकत्ता में आप सभी पत्रकार भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पहले से ही चल रहा है, 16 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जयपुर में इस अभियान का शुभारंभ किया था और 17 जुलाई को राजस्थान के प्रत्येक जिला केंद्र पर हमारे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने पहले चरण की प्रेस वार्ता करी। जिस प्रकार से पिछले 4.5 साल के अंदर राजस्थान की गहलोत सरकार का जनता के प्रति नकारात्मक रवैया रहा है और 4.5 साल तक सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सचिन पायलट और गहलोत साहब आपस में लड़ते रहे और जनता की कतई सुध नहीं ली। अपनी सरकार को बचाने के लिए जिन विधायकों का गहलोत सरकार को समर्थन रहा उनको राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार करने की खुली छूट गहलोत साहब ने दी। जो विधायक के चुनाव लड़े, चुनाव में हार गए, उनको भी विधायकों के बराबर ताकत देकर अपनी अपनी विधानसभा में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार आप करो, इसकी छूट गहलोत साहब की तरफ से रही और उसका परिणाम यह रहा कि आज जब राजस्थान की जनता कहीं भी किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार के क्षेत्र में पूरे देश के अंदर सबसे पहले स्थान पर। युवाओं के साथ में इस राजस्थान की सरकार ने कुठाराघात किया है और जो पिछले इसके कार्यकाल में हजारों लाखों युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, उनको रोजगार का वादा देने के नाम पर भर्तियां की गई और प्रत्येक परीक्षाओं में राजस्थान के सरकार के नुमाइंदों द्वारा, इनके अधिकारियों द्वारा, कांग्रेस के सीधे सीधे नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, पेपर लीक किए गए, उससे युवा राजस्थान के परेशान। अपने घोषणा पत्र में युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, युवतियों को 3000 रुपये युवाओं को, 3500 युवतियों को, और किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ करने का वादा किया था। किसी भी किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया गया, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का वादा किया था, फ्यूल चार्ज के नाम पर 18 बार राजस्थान के अंदर इस सरकार ने बढ़ाई, भ्रष्टाचार के नंबर 1 पर राजस्थान सरकार, देश के अंदर जितना भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, उसमें भी राजस्थान सरकार नंबर 1 पर है। दलितों पर राजस्थान सरकार ने सबसे अधिक, राजस्थान सरकार के अंदर मुकदमे दर्ज हुए दलितों के ऊपर अत्याचार होने के। प्रदेश के किसानों का जो ऋण माफ करने का वादा किया था वह नहीं किया, इसलिए कई जगह पर किसानों ने आत्महत्या की है और एक जगह तो लाइव आत्महत्या किसान ने की है, जिसमें स्पष्ट आरोप लगाया है कि मैं गहलोत सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर रहा हूं। कोई भी प्रदेश का छोटा से लेकर बड़े तक मजदूर, किसान, युवा कहीं तहसील में काम कराने जाता है, पंचायत समिति में काम कराने के लिए जाता है, जिला कलेक्टर में काम कराने जाता है, यहां तक कि छोटे छोटे कामों के लिए रजिस्ट्री कराने में भ्रष्टाचार, दाखिला खुलवाने में भ्रष्टाचार, चपरासी तक इस सरकार के बिना पैसे लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं और उसका कारण है कि राजस्थान सरकार का जो पूरा तंत्र है उसमें कई प्रकार के नेता, जैसा अभी गोपाल केसावत करके
एसीबी ने 18 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया है। वो सीधा सीधा कांग्रेस की पीसीसी मेंबर है, कांग्रेस ने ही उसको सदस्य बनाया। आरपीएससी का मेंबर कटारा, उसको भी किसी न किसी कांग्रेस के नेता के द्वारा ही सिफारिश करके आरपीएससी का मेंबर बनाया होगा। वो जेल में है और हद तो तब पार हो गई जब राजस्थान का हृदय स्थल सचिवालय, जहां से जनता अपने विकास की संभावनाएं तलाशती है, उस सचिवालय के अंदर अलमारी के अंदर सोने के बिस्कुट मिले और करोड़ों रुपए वहां पर इकट्ठे मिले सचिवालय के अंदर। यह शर्मसार करने वाली ऐसी घटना है। भ्रष्टाचार के साथ साथ गुंडे, बदमाश, फिरौती लेने वाले लोग आए दिन बसों में से उतार उतार के लोगों की हत्या कर रहे हैं, अपराधी पकड़े में जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में प्रतिदिन राजस्थान के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं और देश राजस्थान की जनता इससे परेशान है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान करके एक अभियान अपना 15 दिन का चल रहा है। उस अभियान के अंतर्गत राजस्थान की जनता को कांग्रेस सरकार के जो गलत काम किए जा रहे हैं उनके प्रति जागृत करना, अनेक प्रकार के कार्यक्रम, जैसे अभी हम बैठे हैं यहां पर सर्किट हाउस जैसी जगह पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, 2 घंटे भी 24 घंटे में से जनता को, मैं कई जगह पर जा रहा हूं इस कार्यक्रम को लेकर, 2 घंटे 3 घंटे भी किसानों को लाइट नहीं मिल रही है, अघोषित बिजली चल रही है, कटौती चल रही है और भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह पर इसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। आज हमारा हिंडोली में भी बहुत बड़ा धरना था, लेकिन हमारे यहाँ एक शहीद हुए हैं बूंदी जिले के, तो उनकी वजह से उस धरने को आज स्थगित किया। अभी तालेड़ा में हमारे कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा करके सरकार के खिलाफ जनता को जागृत करने का काम किया। तो बिजली की परेशानी, महंगाई, पेट्रोल की वजह से भारत के अंदर सबसे पहले स्थान पर है। बिजली राजस्थान की भारत के अंदर सबसे पहले स्थान पर है। इन सारी बातों को लेकर भाजपा नहीं सहेगा राजस्थान ऐसा कैंपेन चला रही है, जिसका आज 25 तारीख हो गई, 8 दिन का समय गुजर गया। 1 तारीख को हमारे सभी कार्यकर्ता राजस्थान की जनता से आह्वान करेंगे और उस जयपुर चलो इस प्रकार के आह्वान के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। आज 25 तारीख से कार्यकर्ता हमारे कस्बों के अंदर, गाँव के अंदर बूथ स्तर पर टोलियां बनाकर जुलूस के रूप में, पदयात्रा के रूप में, मोटरसाइकिल के रूप में, धरने के रूप में गांव-गांव में जाएंगे। वहां पर गांव के जो हमारे जो बूथ बने हुए हैं, एक बूथ पर जो 700-800 वोटों की संख्या है उनको सबको सूचित करेंगे और 1 अगस्त को राजस्थान की राजधानी जयपुर का लाखों की संख्या में राजस्थान की जनता के लोग, युवा, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, व्यापारी, व्यवसाय, मजदूर, सारे वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 1 अगस्त को राजधानी जयपुर को चारों तरफ से घेराव करेंगे। जहां से भी जनता को जयपुर के सचिवालय पहुंचने का रास्ता मिलेगा उसी रास्ते से नहीं सहेगा राजस्थान की तख्तियां लेकर, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सारे कार्यकर्ता 1 अगस्त को जयपुर का विशाल घेराव करके और वहां पर इस नए सहेगा राजस्थान का अभियान का समापन होगा। वहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के लीडर वहां उपस्थित रहेंगे। तो आज जो हमारी ये प्रेस वार्ता है वो इस राजस्थान की सरकार की कुशासन को जनता के माध्यम से आने वाले चुनाव में राजस्थान से उखाड़ कर फेंकने के लिए, राजस्थान की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए आयोजित की गई है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बूंदी जिले की समस्त जनता को मैं ये आह्वान करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं कि 1 अगस्त को होने वाले जयपुर के घेराव को अधिक से अधिक संख्या में जयपुर चलो इस कार्यक्रम में शामिल होकर सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विद इन केशवराय पाटन और तालेड़ा क्षेत्र के जो सारे गांव राज्य सरकार द्वारा आनन फानन में एक विधेयक लाकर कोटा विकास प्राधिकरण के नाम से जो कोटा में जोड़े गए हैं,
बूंदी जिले की जनता और बूंदी जिले का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चीज को सहन नहीं करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके बारे में संगठनात्मक रूप से विचार कर आंदोलन और राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन हम इसके लिए रूपरेखा बनाकर देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में इस तरह का जो विधेयक लाया है न तो राजस्थान और न बूंदी तालेड़ा केशवराय पाटन की किसी जनता को न किसी पंचायत समिति के डेलीगेट को इसमें विश्वास में लिया गया है आनन फानन में। और कल चूंकि हमारे दो विधायक केशवराय पाटन और बूंदी दोनों ने इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव के रूप में विधानसभा में लगाया था, कल वो राजेंद्र गुहा जी के चक्कर में विधानसभा का पहिन गर्म विधानसभा का बहिष्कार किया गया, इसलिए वो इस पे अपनी बात को विधानसभा के पटल पर रख नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ है और जनता को विश्वास में लेकर इसके खिलाफ जो भी करना होगा भारतीय जनता पार्टी इस पे संघर्ष करेगी। क्या है जो कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत है वो अलग है, 200 किलोमीटर की परिधि में इस प्रकार से अपना टोंक जिला है, सवाई माधोपुर जिला है, दौसा है, अलवर है, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, ये जो आसपास के जिले हैं यहाँ पर एक बूथ से, बूथ इकाई हमारी सबसे छोटी इकाई है, उस प्रत्येक बूथ से एक बस करके और वहाँ पर ये तो बसों का जो पार्टी की ओर से टारगेट दिया है ये है। इसके अलावा जितने भी सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य है, विधायक है, पूर्व विधायक है और आने वाले समय में जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को इसके लिए तैयार किए हुए हैं, ऐसे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी अपने फोर व्हीलर से अधिक लोगों को वहां पर लेके पहुंचेंगे। 1,00,000 लोगों की जयपुर के अंदर रात्रि को रुकने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहां की गई है। अब कितने लोग वहां पहुंचे हैं ये तो वहां पर लोग पहुंचेंगे तभी पता लगेगा, लेकिन ये जो 1 अगस्त का जो जयपुर का घेराव है ये भारतीय जनता पार्टी का इस जो अभियान का है, ये अभी तक जितने अभियान हुए हैं सबसे अधिक संख्या वहां पर पहुंचे ऐसा टारगेट है। अलग अलग टारगेट हमारे प्रेजेंट विधायक है उनको भी दिया है, प्रधानों को भी दिया है और पार्टी के संगठन के आधार पर भी सभी को बड़ा लक्ष्य दिया है और बहुत बड़ा कार्यक्रम इन सारी समस्याओं को लेके और जयपुर में होने वाला। सत्ता उसके हाथ में है और निरकुंश होके जब वो अपने स्वयं के साथियों को नकारा, निकम्मा, बदमाश कह सकता है, बीजेपी ने क्या नहीं किया? बीजेपी ने तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, सचिवालय का घेराव करने का कोशिश की, अभी 20,000 महिलाओं ने मारी ने, कांग्रेस के पास में 20,000 की बहुत दूर की बात है, 500 महिलाएं कांग्रेस इकट्ठी कर दे, 20,000 महिलाओं ने जयपुर का घेराव किया, महिलाओं पर उन्होंने बर्बर अत्याचार किया, हमारे युवाओं ने भी 20,000 युवाओं ने RPSC का घेराव किया, हमारे दर्जनों युवाओं पर लाठी चार्ज करके उनको घायल किया, उनको मारा पीटा, उनके साथ बर्बर अत्याचार किया, हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने इतने आंदोलन इस सरकार के खिलाफ किए, पेपर लीक के मामले में किया, भ्रष्टाचार के मामले में किए, इस प्रकार के सबूत लाला के दिए, FIR देखिए आप, एक सांसद FIR दर्ज कराने के लिए जाता है और सांसद को आप इस तरीके से उठा के ले जाते हैं जिस प्रकार से आतंकवादी को उठा के ले जाते हैं, तो ये तो क्या है कि सत्ता के घमंड में अशोक गहलोत निरकुंश हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आंदोलन किए, उनको कुचलने की कोशिश की है और विपक्ष में रहते हुए जो भारतीय जनता पार्टी को जो कदम उठाने चाहिए वो कदम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उठाए हैं, लेकिन गहलोत साहब उनका सबका दमन कर रहे हैं, जनता का दमन कर रहे हैं और बस 4-4.5 महीने की बात है, 4-4.5 महीने में इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने जनता लाकर देंगे।